Subscribe and press the bell icon for latest update. न्यूज और एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं एक और अहम मुद्दे को लेकर और ये मुद्दा जुड़ा है महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता शहजाद पूनावाला से, जिनकी एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और इसको पोस्ट किया है कांग्रेस के ही नेता गौरव गांधी ने। उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट से फोटो को पोस्ट किया है, लेकिन हम आपको इसके साथ ये जानकारी दे दें कि हम इस तस्वीर की पुष्टि नहीं कर सकते कि इस तस्वीर में कितनी सच्चाई है। इस मुद्दे पर मैं चर्चा करूंगी अपने सहयोगी काशिफ अली के साथ, लेकिन सबसे पहले आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी वो थोड़ा फोकस करें तस्वीर की तरफ और दर्शकों को दिखाएं कि आखिर हम किस तस्वीर की बात कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये रेड कलर से आप गोरा सर्कल किया गया है और रेड कलर से इधर सर्कल किया गया है। ये है शहजाद पूनावाला और ये है गोपीनाथ मुंडे, जिनका अब देहांत हो चुका है। आपको बता दो ये खबर सामने आई है, उसमें लिखा है कांग्रेस समर्थक गौरव गांधी ने उन्होंने ट्विटर पर एक तस्वीर पोस्ट की है और दावा किया है कि शहजाद पूनावाला इस तस्वीर में बीजेपी नेता स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे के साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं माफी चाहूंगी दर्शकों, उनका नाम गौरव गांधी नहीं, उनका नाम गौरव पांधी है। गौरव पांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए इस तस्वीर को पोस्ट किया है और लिखा है दरअसल में ये शहजाद पूनावाला की घर वापसी है और उन्होंने कहा है ओह मुझे तो पता ही नहीं था कि शहजाद पूनावाला ने काफी कम उम्र में ही अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत एक बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में की थी। और इसके अलावा इस तस्वीर को अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर बहुत से नेता नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये है शहजाद पूनावाला और ये है गोपीनाथ मुंडे। गौरव पांधी ने जिस तरह से अपने तंज कसा है कि उनकी घर वापसी है और इसी पे हमने एक प्रोग्राम किया था अभी और बताया था कि शहजाद पूनावाला जिस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ जा रहे हैं, उनके अध्यक्ष बनने के खिलाफ जा रहे हैं, उनको जब पहले से पता था कि उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है और कई सालों से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर कई डिबेट्स में नजर आ चुके हैं, इसके साथ ही कई बड़े नेताओं के साथ भी उनको देखा गया है। तो उन्होंने अचानक से गुजरात चुनाव से पहले राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने को लेकर इतना हल्ला क्यों बोला। साथ ही हमने आपको ये भी बताया था कि वो राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी उनके रिश्तेदार हैं, ये गांधी खानदान के बहुत करीबी हैं और रिश्तेदार होते हुए इन्होंने इस तरह से बयान दिया है राहुल गांधी के खिलाफ। वो कहीं ना कहीं अपने आप पर सवालिया निशान है कि अगर आपको आपत्ति थी राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने पर तो आपने पहले क्यों नहीं मुंह खोला। काशिफ जी, इस तस्वीर पर आती हूँ और जिस तरह से कि गौरव पांधी ने कहा है कि घर वापसी है, वो उन्होंने ये संकेत दिए हैं आने वाले दिनों में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं और इसके साफ संकेत तो अभी मिले थे हाल में ट्विटर पर जब पीएम नरेंद्र मोदी का उन्होंने शुक्रिया कहा था। बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से शहजाद पूनावाला जो थे, जब से कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी का नाम सामने आ रहा था कि अब वो जल्द ही कमान संभालने वाले हैं, तो लगातार शहजाद पूनावाला हमलावर हो रहे थे। शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल कांग्रेस पार्टी में जो है वो वंशवाद वाली राजनीति होती है और जब राहुल गांधी अध्यक्ष बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता। इस पर उन्होंने काफ़ी तंज किए थे। फिर उसके बाद पीएम मोदी ने एक गुजरात विधानसभा चुनाव में एक रैली के दौरान उनकी तारीफ की, फिर उसके बाद उन्होंने शुक्रिया अदा किया। तो यानी कहीं ना कहीं पूरा अगर हम देखेंगे तो शहजाद पूनावाला एक अलग तरीके की राजनीति कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से तस्वीर सीमांत गांधी की सामने आई है, उन्होंने दावा किया है कि इस तस्वीर में जो है वो मौजूद हैं, गोपीनाथ मुंडे जो स्वर्गीय बीजेपी के कद्दावर नेता थे उनके साथ मौजूद हैं, यानी उनका बीजेपी के साथ लगाव जो है वो काफ़ी पुराना है, ये नया नहीं है। और वो कांग्रेस के खिलाफ जो हमला बोल रहे हैं वो कोई आज का हमला नहीं है, वो पुरानी बीजेपी के साथ जुड़े हैं। ये कहीं ना कहीं सीमांत बीजेपी, हाँ बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके साथ ट्वीट दिखाना चाहूंगी गौरव पांधी का, आप ट्वीट देख पा रहे हैं, तस्वीर आप देख पा रहे हैं गौरव पांधी का, उन्होंने लिखा ओ आई डिडंट नो शहजाद पूनावाला बिगिन हिज पॉलिटिकल करियर एज अ बीजेपी वर्कर एट अ टेंडर एज हियर इन पिक्स विद गोपीनाथ मुंडे अमंग अदर बीजेपी लीडर्स। उन्होंने लिखा सो घर वापसी क्वेश्चन मार्क और आपकी नजरों में समझा प्यार के काबिल तुम्हें, आपकी नजरों में समझा प्यार के काबिल तुम्हें। कहीं ना कहीं गाना भी है, गाना है उसी को लेकर तंज कसा है उन्होंने कहा है। और साथ ही उन्होंने कहा है, गौरव पांधी ने इशारा किया है कि पूनावाला या तो बीजेपी में जा सकते हैं या फिर आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और साथ ही उन्होंने कहीं ना कहीं अपने ट्वीट के जरिए इस बात के साफ संकेत भी दे दिए हैं कि शहजाद ने जो हाल फिलहाल जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की है, जो उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कई तरह के बयान दिए हैं, वो कहीं ना कहीं इसीलिए दिए हैं ताकि उनकी एक साख, उनकी एक छवि बन सके, ताकि उनको भाजपा में जाना ज़्यादा मुश्किल ना हो। क्योंकि आशिफ जी, आपको लगता है कि ये उनकी एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है शहजाद की कि एक मुद्दे को भुनाएँ और एक ऐसे खास मुद्दे पर बोलें राहुल गांधी को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी बहुत बड़े शख्स हैं और उनको लेकर अगर वो कोई विवाद पैदा करते हैं तो सुर्खियों में आ सकते हैं और फिर उसको लेकर बीजेपी भुनाएगी और कहीं ना कहीं उनको उसका सियासी लाभ हो सकता है। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि उन्होंने राहुल गांधी पर जो तंज कसकर और उनके अध्यक्ष पद को लेकर जो तंज कसा है, जाहिर सी बात है वो एक राजनीतिक दांव कह सकते हैं खेला है शहजाद पूनावाला ने, ताकि वो सुर्खियों में बने रहे। और वो हुआ भी, वो उनके साथ जैसा वो चाहते थे वही हुआ कि वो सुर्खियों में बन गए और खुद पीएम मोदी ने उनके तारीफ की, यानी तो कहीं ना कहीं वो सुर्खियों में तो अपने आप बन गए कि जब देश के प्रधानमंत्री उनका नाम ले रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शहजाद पूनावाला जो राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके की अब वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ थे लेकिन अब वो बीजेपी में जा सकते हैं या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से उनका रहम हम कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए है, राहुल गांधी के खिलाफ वो बोल रहे हैं, तो बीजेपी इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो डिबेट्स में, टीवी डिबेट्स में कांग्रेस का पक्ष रखते थे और कहीं ना कहीं अब अगर बीजेपी अपने पाले में उनको ले लेती है तो वो अब कहीं ना कहीं काफ़ी मजबूत हो जाएगी लेकिन काशिफ जी, इन्होंने कहा था कि नामांकन दाखिल करेंगे राहुल गांधी के खिलाफ, हालांकि अब राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने क्यों नहीं नामांकन दाखिल किया? अगर इन्हें करना था, अगर इतनी खिलाफत कर रहे हैं तो इन्हें तुरंत स्टैंड लेना चाहिए था फिर तो। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप जो है जिस तरीके से अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो आपने जो बात कही थी आप उस पर अमल भी करना चाहिए था कि आपको नामांकन भरना चाहिए था, आपको नामांकन क्यों नहीं भरा, इसमें अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर नामांकन दाखिल करते तो 10 प्रतिनिधि चाहिए होते और उनके सपोर्ट में कोई क्यों आता जब राहुल गांधी के साथ है और जब पता है वहाँ पे गांधी खानदान का वर्चस्व रहा है हमेशा से कांग्रेस पे, तो एक नॉन गांधी को कैसे वहाँ पर चेहरा दिखाकर कांग्रेस क्यों लाएगी सामने और क्यों लोग उनको सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, जाहिर सी बात है। देखिए, राहुल गांधी का अध्यक्ष पद पर आना कोई अपने आप में कोई ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई काम हुआ है, ये तो एक बहुत पहले से एक प्री प्लान था, सब कुछ था। कांग्रेस में इस बात को शुरू से बात की जा रही थी कि राहुल गांधी ही उत्तराधिकारी बनेंगे सोनिया गांधी के, लेकिन शहजाद पूनावाला की इस एंट्री ने कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक बात अपने आप में पैदा कर दी है कि अब शहजाद पूनावाला, हालांकि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बात कही है कि शहजाद पूनावाला की बातों में कोई दम नहीं है और उनकी कोई बात का वजूद नहीं है, लेकिन हालांकि अब शहजाद पूनावाला अपनी बात पर भी अमल नहीं कर पाए। अगर वो चाहते तो नामांकन कर सकते थे, 10 लोगों का मिलना कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं हो सकता था। अगर वो ढूंढने में निकलते तो कांग्रेस के कई बागी उनके साथ जुड़ सकते थे। उन्होंने कल मनीशंकर अय्यर का एक स्टेटमेंट उन्होंने अपने साथ अटैच किया था ट्विटर पर और उस पर उन्होंने दिखाया कि वो भी कह रहे थे वंशवाद के खिलाफ, उन्होंने बयान दिया था, तो कहीं ना कहीं वो अपने साथ उनको जोड़ना चाहते थे कि जब आपने बयान दिया तो कल मणिशंकर अय्यर ने तो बहरहाल मीडिया से बात करते हुए बहुत अच्छी बातें कही राहुल गांधी के पक्ष में कहीं, और उन्होंने एक बार वंशवाद के खिलाफ कहीं ना कहीं कुछ कहा था। उसी बात को लेकर शहजाद पूनावाला ने उनको अपने से मतलब अटैच किया और फिर राहुल गांधी पर उन्होंने हल्ला बोला। तो क्या आपको लगता है कि एक गांधी जो नाम है राहुल गांधी के साथ, उसको लेकर सब उनके पक्ष में जाते हैं, ऐसी कोई काबिलियत नहीं है राहुल गांधी में? नहीं, देखिए इसमें तो हम नहीं कह सकते कि तो राहुल गांधी में काबिलियत है या नहीं। जिस तरीके से लगातार वो गुजरात चुनाव को अगर हम देखें, अगर हम पिछले उनके राजनीतिक कैरियर को देखें, तो जिस तरीके से राहुल गांधी कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और वो कांग्रेस के लिए पूरी हम कह सकते हैं कि निष्ठा और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में देख सकते हैं कितनी मेहनत की है उन्होंने, हम चाहे वो किसान यात्रा का देख सकते हैं, टप्पल से जो उन्होंने यात्रा की थी, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जो अगर हम देखें कि गांधी सिर्फ जुड़ा रहना उनके साथ ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो जिस तरीके से बतौर राहुल गांधी के तौर पर काम करते हैं वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सराहनीय है। काशिफ जी, इसके पीछे ये वजह नहीं हो सकती कि उन्हें भी जैसा कि बहुत दिनों से उपाध्यक्ष बनने के बाद कहा जा रहा था कि राहुल गांधी को कमान सौंपी जाए क्योंकि सोनिया गांधी की तबीयत भी नहीं सही रहती, उनके स्वास्थ्य को लेकर कई वजह सामने आई थी, लेकिन राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया, उनको भी इस बात की खबर लगी कि अब मैं अध्यक्ष बन सकता हूँ तो वो ज्यादा सक्रिय हो। बिल्कुल नहीं, देखिए राहुल गांधी को अध्यक्ष अभी कोई अभी से नहीं है, उनका तो शुरू से ये था कि सोनिया गांधी के उत्तराधिकारी राहुल गांधी ही बनेंगे, लेकिन राहुल गांधी का कोई ये नहीं है कि वो गुजरात चुनाव में सक्रियता दिखा रहे हैं। राहुल गांधी का पिछली अगर हम कई राजनीतिक उसमें देखेंगे 2014 में भी वो काफ़ी सक्रिय रहे, उससे पहले के विधानसभा चुनावों में जैसे जैसे राज्यों में चुनाव हुए, बिहार में वो काफ़ी एक्टिव रहे, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की सक्रियता को नकारा नहीं जा सकता। और किसान आंदोलन हमें खूब अच्छे से याद है कि वो जब टप्पल वाला जब वो पैदल उन्होंने किसान यात्रा की थी तो अपने आप में एक बहुत हिस्टोरिकल था क्योंकि कहीं ना कहीं वो गांधी परिवार के सुपुत्र हैं और अपने आप में अगर वो किसान यात्रा पैदल कर रहे हैं तो अपने आप में एक बड़ा वो सराहनीय काम था। लेकिन उनकी एक्टिवनेस को इस तरीके से जोड़ा जाए कि वो जो है वो अब एक्टिव हुए, तो ऐसा नहीं है। अध्यक्ष पद तो उनको ऑब्वियसली बात है कि वो गांधी परिवार से जुड़े हैं, तो उनको तो अब सोनिया गांधी का उत्तराधिकारी बनना बिल्कुल तय था। जी, वाकई सोनिया गांधी का उत्तराधिकारी बनना तो तय था। और जैसा आपने कहा कि ऐसा नहीं कि उनको अध्यक्ष बना था इसलिए उन्होंने अपनी एक्टिविटी दिखाई इतनी गुजरात में, लेकिन जिस तरह से वो उपाध्यक्ष होते हुए भी अपनी ऐसा नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने मेहनत नहीं की, लेकिन उस हिसाब से उनको रिजल्ट नहीं मिला। और अध्यक्ष बनने के बाद उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ेंगी। और सबसे बड़ी जिम्मेदारियों की साल 2019 में बीजेपी को हराना और कांग्रेस को फिर से पटरी पर लाना जो ट्रैक से कहीं ना कहीं हट गई है। आपको ये दिखाना चाहूंगी गांधी परिवार के साथ शहजाद जो उनका जो कनेक्शन है। अगर गांधी परिवार को संबंध के अलावा बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स में काम कर चुके हैं। वो खुद को एक वकील, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी समर्थक बताते हैं। इसके साथ ही टेलीविजन में बहस के लिए उन्होंने गांधी को भी चुनौती दी थी। उन्होंने बार बार मीडिया से अनुरोध किया कि उन्हें गांधी परिवार से संबंधित किसी व्यक्ति के रूप में चित्रित ना करें। वो पहले भी ये कह चुके हैं कि वो भले गांधी खानदान के बहुत करीबी रिश्तेदार हैं लेकिन उनको उनसे जोड़ा ना जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो वो कहते रहते हैं वो उसी की भड़ास से जब जाके निकल आई है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं कि वो भड़ास ही हम कह सकते हैं कि हो सकती है कि जिस तरीके से लगातार वो उनको कहा जाता है कि गांधी परिवार के रिश्तेदार हैं, काफ़ी करीबी हैं, लेकिन वो उनका खुद का ये बात कहना कि नहीं मैं मुझसे ना जोड़ा जाए, मुझे गांधी परिवार से बिल्कुल ना जोड़ा जाए, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में एक भड़ास ही है उनकी। जी, और वाकई बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह से कि उनकी फोटो वायरल हुई है जिस तरह से कि शहजाद पूनावाला की, और उनको बीजेपी का कहीं ना कहीं एजेंट बताने की कोशिश कर रहे हैं गौरव पांधी। और उन्हें ट्वीट करके साफ साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में अब शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने अपने ट्वीट में इशारा किया है। तो ऐसे में फिलहाल देखना होगा कि क्या वाकई अब जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने राहुल गांधी की खिलाफत की है और एक तरह से बगावती सुर दिखाए हैं, तो क्या उसके बाद वो यू टर्न लेते हैं और क्या वाकई बीजेपी में जिससे जो तस्वीर बयां कर रही है उसके मद्देनजर वो बीजेपी के कार्यकर्ता रह चुके हैं, तो क्या वो फिर से बीजेपी में शामिल होते हैं या फिर अपना जिस तरह से वो काम कर रहे थे कांग्रेस पार्टी में उसी तरह काम करते रहेंगे। लेकिन काशिफ जी, जाते जाते एक सवाल ये भी पूछना चाहूंगी, जिस तरह हल्ला बोला है उस पर किसी भी कांग्रेस नेता ने कोई बयान इतना नहीं दिया है बड़ा, और कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। क्या लगता है कि कोई कार्रवाई की जा सकती है इन पे? बिल्कुल, देखिए उनका किसी बड़े कांग्रेसी का उस पर हमलावर करना, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि अगर शहजाद पूनावाला की बात में अगर कोई कांग्रेसी सामने आता तो यही सवाल उठ जाता कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में कुछ गड़बड़ है, इसीलिए बड़ी कांग्रेसी जो है इस चीज़ से बचते रहे, क्योंकि राहुल गांधी का मामला था। अगर राहुल गांधी का ना होकर किसी और पार्टी के नेता होता तो शायद कोई और सामने आ सकता। जी, वाकई कहीं ना कहीं कांग्रेसी भी बच रहे हैं शहजाद पूनावाला के बयान को लेकर, उनके ट्वीट्स को लेकर, उनकी खिलाफत को लेकर। फिलहाल अब ये गौरव पांधी का जो ट्वीट सामने आया है, उन्होंने जो उसमें संभावनाएं व्यक्त की है उसके मद्देनजर अब क्या उसमें सच निकलता है, कितना झूठ निकलता है, ये आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा। और वाकई ये भी देखना बहुत खास होगा कि क्या शहजाद पूनावाला फिर से भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं। तो दर्शकों, आज के खास प्रोग्राम में बस इतना ही। कल फिर से आपके सामने हाजिर होंगे खास मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।